गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ छोटा छोटा टॉपिक देखेंगे और ये टॉपिक आप समझिएगा, छोटा छोटा टॉपिक होगा। पहला है फोर, एफ ओ आर, फोर। फोर के साथ हमेशा वर्ब का चौथा रूप का यूज होता है और फोर का हिंदी होता है बच्चों के लिए, के लिए। जहाँ पे भी आपको फोर दिखेगा उसका हिंदी होगा के लिए, के लिए। उसके बाद हम लोग और टॉपिक देखेंगे, आफ्टर, ए एफ टी ई आर। आफ्टर के साथ भी वर्ब का चौथा रूप का यूज होता है और आफ्टर का हिंदी होता है के बाद, के बाद। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा स्मॉल टॉपिक होगा, ये टॉपिक है वाइल, डब्ल्यू एच आई एल ई। वाइल के साथ वर्ब का चौथा रूप, वाइल का हिंदी होता है कोई भी काम करते करते, करते करते, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं करने के दौरान या करने के वक्त, के वक्त। इसका तीन हिंदी होगा, जैसे पढ़ते पढ़ते, पढ़ने के दौरान, पढ़ने के वक्त। और आज का लास्ट होगा हमारा स्मॉल टॉपिक, बोलेंगे कोई भी काम कर कर। इसका दो स्ट्रक्चर बनता है, एक होगा बाय के साथ चौथा रूप, इसका हिंदी होगा कर कर, कर कर। और इसका एक और टॉपिक होता है जो होता है हैविंग, हैविंग के साथ वर्ब का तीसरा रूप। परंतु कभी कभी तीसरा फॉर्म में परेशानी होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट है बाय के साथ वर्ब का चौथा रूप। तो ये चारों टॉपिक हम लोग देखेंगे। पहला है फोर के साथ चौथा रूप, फोर का हिंदी होगा के लिए, आफ्टर के साथ वर्ब का चौथा रूप, आफ्टर का हिंदी होगा के बाद, वाइल के साथ वर्ब का चौथा रूप, इसका हिंदी होगा कोई भी काम करते करते, करने के दौरान या करने के वक्त। एग्जाम्पल में सारा क्लियर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद लास्ट है कोई भी काम कर कर, जैसे रांची जाकर, खाना खाकर, तो वर्ब बाय के साथ वर्ब का चौथा रूप आएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं के लिए से। जैसे मैं लिखा यहाँ पे पहला खाने के लिए, खाने के लिए, इसको बोलेंगे बच्चों फोर, मतलब हो गया के लिए, और खाना का हो गया ईट, ईट का चौथा रूप ईटिंग। उसके बाद लिखेंगे घूमने के लिए, घूमने के लिए, घूमने के लिए, इसको बोलेंगे फोर, फोर विजिटिंग, फोर विजिटिंग। उसके बाद बोलेंगे अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए, इसको बोलेंगे फोर, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ सीखना, लर्न, लर्न का चौथा रूप लर्निंग, और अंग्रेजी को बोलेंगे इंग्लिश। ये कंप्लीट बन गया बच्चों फोर लर्निंग इंग्लिश। ये काफ़ी आसान है, बस आप समझते जाएंगे। उसके बाद है पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कमाने के लिए, के लिए का फोर हो जाएगा, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ कमाना अर्न, अर्न का चौथा रूप अर्निंग, पैसा इज कॉल्ड इन इंग्लिश मनी, फॉर अर्निंग मनी। फिर लिखेंगे नामांकन लेने के लिए, नामांकन लेने के लिए, लेने के लिए, इसको बोलेंगे फोर, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ लेना टेक, फोर्थ फॉर्म ऑफ टेक टेकिंग, नामांकन इज कॉल्ड इन इंग्लिश एडमिशन। तो हो गया कंप्लीट फॉर टेकिंग एडमिशन। नेक्स्ट है तुमसे मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, मिलने के लिए, इसको बोलेंगे फॉर मीटिंग यू, फॉर मीटिंग यू। नेक्स्ट लिखते हैं सेवन नंबर पे गांव जाने के लिए, गांव जाने के लिए, के लिए का फोर हो जाएगा, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ जाना गो, गो का चौथा रूप गोइंग, किसी की ओर जाने के लिए टू, एंड गांव इज कॉल्ड इन इंग्लिश विलेज, तो फॉर गोइंग टू विलेज। नेक्स्ट है कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, के लिए का फोर लिखेंगे, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ खरीदना बाय, बाय का चौथा रूप बाइंग, कपड़ा को बोलेंगे क्लॉथ, फॉर बाइंग क्लॉथ। नेक्स्ट लिखेंगे
बाइक खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, खरीदने के लिए, तो इसको बोलेंगे फॉर बाइंग बाइक, फॉर बाइंग बाइक। नेक्स्ट लिखते हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, के लिए का फॉर हो जाएगा बच्चों, पढ़ाना टीच, टीच का चौथा रूप टीचिंग, क्या पढ़ाने को क्वेश्चन नहीं बताया तो पढ़ाने के लिए फॉर टीचिंग। अब कुछ ऐसा एग्जांपल लिखते हैं जिसमें वर्ब नहीं आएगा, दो तीन, जैसे तुम्हारे के, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, इसको बोलेंगे फॉर यू, फॉर यू, क्योंकि यहाँ वर्ब नहीं है। फिर लिखेंगे उसके लिए, उसके लिए, इसको बोलेंगे फॉर हिम, अगर वो लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। फिर लिखते हैं मेरी माँ के लिए, मेरी माँ के लिए, माँ के लिए का फॉर हो जाएगा, मेरी का मैं, और माँ को बोलेंगे मदर। आई होप इतना एग्जाम्पल काफी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे फॉर के साथ चौथा रूप, यहाँ पे खाने के लिए फॉर ईटिंग हो गया, घूमने के लिए फॉर विजिटिंग, अंग्रेजी सीखने के लिए फॉर लर्निंग इंग्लिश, पैसा कमाने के लिए फॉर अर्निंग मनी, नामांकन लेने के लिए फॉर टेकिंग एडमिशन, तुमसे मिलने के लिए फॉर मीटिंग यू, गांव जाने के लिए फॉर गोइंग टू विलेज, कपड़ा खरीदने के लिए फॉर बाइंग क्लोथ, बाइक खरीदने के लिए फॉर बाइंग बाइक, पढ़ाने के लिए फॉर टीचिंग। 1 नंबर से 10 नंबर या 10 नंबर तक आप देखेंगे तो आपको सारे में वर्ब दिख रहे हैं, इसलिए चौथा फॉर्म का यूज हुआ। बाकी 11, 12, 13 यहाँ पे आपको वर्ब नहीं दिखेगा, तुम्हारे लिए इसलिए फॉर यू, उसके लिए फॉर हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, मेरी माँ के लिए फॉर माई मदर। इसमें लंबा एग्जाम्पल भी बनाया जा सकता है बच्चों, जैसे मैं रांची जा रहा हूँ घूमने के लिए, आई एम गोइंग टू रांची फॉर विजिटिंग, मेरा भाई पुरी जा रहा है जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए, तो माई ब्रदर इज गोइंग टू पुरी फॉर वर्शिपिंग इन जगन्नाथ टेम्पल, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं लाल किला देखने के लिए, वी आर गोइंग टू दिल्ली फॉर लुकिंग रेड फोर्ट, मेरे पापा बिहार जा रहे हैं काम करने के लिए, माई फादर इज गोइंग टू बिहार फॉर वर्किंग, मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर स्टडिंग। इस तरह से आप बहुत सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है बच्चों आफ्टर के साथ वर्ब का चौथा रूप, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे रांची जाने के बाद, रांची जाने के बाद, जाने के बाद, आप देख रहे हैं यहाँ पे के बाद आया, के बाद का इंग्लिश हो गया आफ्टर, और आफ्टर के साथ जब वर्ब आएगा तो चौथा रूप आएगा, तो जाना वर्ब है तो आफ्टर गोइंग टू रांची, तो कंप्लीट बन गया बच्चों, रांची जाने के बाद आफ्टर गोइंग टू रांची। उसके बाद लिखते हैं तुमसे मिलने के बाद, तुमसे मिलने के बाद, मिलने के बाद, इसको बोलेंगे आफ्टर मीटिंग यू, आफ्टर मीटिंग यू, मीट मतलब मिलना, तुमसे का यू। नेक्स्ट लिखते हैं पैसा कमाने के बाद, पैसा कमाने के बाद, पैसा कमाने के बाद, आफ्टर मत का हिंदी हो गया के बाद, कमाना का अर्न हो गया अर्निंग, और पैसा को बोलेंगे मनी, तो कंप्लीट बन गया आफ्टर अर्निंग मनी। फिर लिखते हैं अंग्रेजी सीखने के बाद, अंग्रेजी सीखने के बाद, सीखने के बाद, इसको बोलेंगे आफ्टर द इंग्लिश मीनिंग ऑफ सीखना, लर्न, लर्न का चौथा रूप हो गया लर्निंग, और अंग्रेजी को बोलेंगे इंग्लिश, तो आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। फिर लिखते हैं गांव जाने के बाद, गांव जाने के बाद, इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर गो का चौथा रूप हो जाएगा गोइंग, किसी की ओर जाने के लिए टू, और गांव को बोलेंगे विलेज, तो कंप्लीट बन गया आफ्टर गोइंग टू विलेज। फिर लिखेंगे दिल्ली जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद, जाने के बाद का आफ्टर हो जाएगा गो का चौथा रूप गोइंग हो जाएगा, किसी की ओर जाने के लिए टू, और जगह का नाम है दिल्ली, तो डी को कैपिटल लिखेंगे, DELHI। फिर लिखते हैं पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद का हो जाएगा बच्चों आफ्टर स्टडिंग, STUDYING। फिर लिखते हैं खाना पकाने के बाद, खाना पकाने के बाद, पकाने के बाद, इसको बोलेंगे आफ्टर कुकिंग फूड, कुक मतलब पकाना,
कुक का चौथा रूप कुकिंग और खाना इसको बोलेंगे फूड। कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें वर्ब नहीं आएगा। जैसे मैं लिखूंगा तुम्हारे बाद इसको बोलेंगे आफ्टर यू। फिर लिखते हैं मेरे बाद इसको बोलेंगे बच्चों आफ्टर मी। फिर लिखते हैं उसके बाद। अगर वो लड़का है तो आफ्टर हिम हो जाएगा और लड़की है तो आफ्टर हर। फिर लिखते हैं राधा के बाद। तो के बाद का आप देख रहे हैं आफ्टर हो जाएगा आफ्टर और नाम है राधा RADHA। तो आप देख रहे हैं बच्चों मैं इसका 12 एग्जांपल बनाया हूँ। रांची जाने के बाद आफ्टर गोइंग टू रांची, तुमसे मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग यू, पैसा कमाने के बाद आफ्टर अर्निंग मनी, अंग्रेजी सीखने के बाद आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, गांव जाने के बाद आफ्टर गोइंग टू विलेज, दिल्ली जाने के बाद आफ्टर गोइंग टू दिल्ली, पढ़ने के बाद आफ्टर स्टडिंग, खाना पकाने के बाद आफ्टर कुकिंग फूड। आप देख रहे हैं 1 से 8 नंबर तक मैं सारे में वर्ब का यूज किया हूँ और 9 से 12 में मैं वर्ब का यूज नहीं किया हूँ, इसलिए मैं ing फॉर्म नहीं डाला। तुम्हारे बाद आफ्टर यू हो गया, मेरे बाद आफ्टर मी हो गया, उसके बाद आफ्टर हिम या आफ्टर हर, उसके बाद राधा के बाद आफ्टर राधा। आप इसमें लंबा लंबा एग्जांपल भी बना सकते हैं बच्चों। जैसे रांची जाने के बाद मैं पिक्चर देखूंगा तो आई विल वॉच मूवी आफ्टर गोइंग टू रांची। दिल्ली जाने के बाद मैं लाल किला देखूंगा आफ्टर गोइंग टू दिल्ली, आई विल सी रेड फॉन्ट। दिल्ली जाने के बाद मैं यूपीएससी एग्जाम का तैयारी करूंगा आफ्टर गोइंग टू दिल्ली, आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम। कॉलेज जाने के बाद मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा आफ्टर गोइंग टू कॉलेज, आई विल टॉक विथ माई फ्रेंड्स। अंग्रेजी सीखने के बाद मैं तुमसे अंग्रेजी में बात करूंगा आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, आई विल टॉक टू इन इंग्लिश। पैसा कमाने के बाद मैं तुमको पार्टी दूंगा आफ्टर अर्निंग मनी, आई विल गिव यू पार्टी। होटल जाने के बाद हम लोग ढोसा खाएंगे आफ्टर गोइंग टू होटल, वी विल ईट ढोसा। आप ऐसे सेंटेंस में वी विल ईट ढोसा आफ्टर गोइंग टू होटल भी बोल सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो आई होप बच्चों आपको ये सारा समझ में आया होगा। अब हमारा 2 टॉपिक और है उसको देखते हैं, वाइल। वाइल का मतलब होता है बच्चों कोई भी काम करते करते, करने के दौरान या करने के वक्त। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। जैसे मैं लिखा नेतरहाट जाने के दौरान, इसको मैं नेतरहाट जाने के वक्त भी बोल सकता हूँ या फिर नेतरहाट जाने जाते जाते। तो नेतरहाट जाने के दौरान ये हो जाएगा बच्चों वाइल, गो का चौथा रूप गोइंग और किसी की ओर जाने के लिए टू और जगह का नाम है नेतरहाट, वाइल गोइंग टू नेतरहाट। नेक्स्ट लिखते हैं पढ़ते पढ़ते, इसको थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, पढ़ते पढ़ते वो सो गई। तो इसको बोलेंगे बच्चों वाइल, पढ़ना का स्टडी का चौथा रूप हो गया स्टडिंग, वो सो गई, इसको बोलेंगे सी स्लैप्ट। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस से बना, वो सो गई सी स्लैप्ट। उसके बाद लिखते हैं रांची जाने के दौरान मैं तुमको बेड़ों में देखा था। रांची जाने के दौरान मैं तुमको बेड़ों में देखा था, तुम खड़ा था। अब इसको बनाएंगे बच्चों रांची जाने के दौरान हो गया वाइल गोइंग टू रांची, WHILE वाइल, गो का चौथा रूप गोइंग, किसी की ओर जाने के लिए टू और जगह का नाम है बेड़ो। तो रांची जाने के दौरान वाइल गोइंग टू रांची RANCHI वाइल गोइंग टू रांची, मैं तुमको बेड़ों में देखा था। तो देखा था ये वर्ब का सेकंड रूप आएगा आई शो यू इन बेड़ो, तुम खड़ा था, इसको बोलेंगे यू वर स्टैंडिंग STANDING। तो कंप्लीट बन गया बच्चों वाइल गोइंग टू रांची आई शो यू इन बेड़ो यू आर स्टैंडिंग। आगे लिखते हैं जैसे हंसते हंसते वह मर गया। तो यहाँ पे 2 वाक्य कनेक्ट कर रहे हैं, हंसते हंसते इसको बोलेंगे वाइल लाफिंग, वह मर गया
इसको बोलेंगे ही डाइड, या सिंपल पास्ट टेंस से बना, वह मर गया, ही डाइड। फिर लिखते हैं घर जाने के दौरान, घर जाने के दौरान, घर जाने के दौरान हम लोग घर जाने के दौरान हम लोग उससे मिले थे। ये हो जाएगा बच्चों पास्ट टेंस से। तो घर जाने के दौरान को बोलेंगे व्हाइल गोइंग टू होम, डब्ल्यू एच आई एल ई, व्हाइल गो का चौथा रूप गोइंग, और किसी की ओर जाने के लिए टू, घर को होम या हाउस आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग उससे मिले थे, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी, मीट का सेकेंड रूप मेट, वी मेट हिम या फिर हर। नेक्स्ट लिखते हैं जैसे खाते 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 वह जा रही है, खाते खाते वह जा रही है, तो इसको बनाएंगे खाते खाते का वाइल ईटिंग हो जाएगा, डब्ल्यू एच आई एल वाइल, ईट का चौथा रूप ईटिंग, और वह जा रही है इसको बोलेंगे सी इज गोइंग। तो इसमें आप लंबा लंबा सेंटेंस भी बना सकते हैं बच्चों। मैं बोलूंगा पढ़ते पढ़ते वह सो गई, वाइल स्टडिंग सी स्लेप्ट, बैठे बैठे मैं काम कर रहा हूँ, वाइल सिटिंग आई एम वर्किंग, खाना खाते खाते वह मोबाइल में वीडियो देख रहे, वाइल ईटिंग फूड ही इज वॉचिंग वीडियोज इन द मोबाइल, रांची जाने के दौरान मैं अपने पिताजी से मिला था, वाइल गोइंग टू रांची आई मेट विथ माई फादर, पुरी जाने के दौरान मैं कटक में महानदी देखा था, वाइल गोइंग टू पुरी आई शो महानदी इन कटक। तो आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आगे हमारा टॉपिक्स है कोई भी काम कर कर बाय, इसमें हम लोग लिखेंगे जैसे पहला नंबर दिल्ली जाकर, दिल्ली जाकर कोई भी काम कर कर दिल्ली जाकर, इसको इंग्लिश में बनाएंगे बाय गोइंग टू दिल्ली, बाय गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाकर बाय गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों जैसे सोच कर, सोच कर इसको बोलेंगे बाय थिंकिंग, बाय थिंकिंग, सोच कर बाय थिंकिंग। फिर लिखते हैं खाना खाकर, खाना खा कर इसको बोलेंगे बाय ईट का चौथा रूप ईटिंग हो जाएगा, बाय ईटिंग, और खाना को फूड बोलेंगे। फिर लिखते हैं अंग्रेजी सीख कर, अंग्रेजी सीख कर, सीख कर अंग्रेजी सीख कर इसको बोलेंगे बाय लर्निंग इंग्लिश, बाय लर्निंग इंग्लिश। फिर लिखते हैं ट्यूशन जाकर, टी यू आई टी आई ओ एन, ट्यूशन जाकर इसको बोलेंगे बाय गो का चौथा रूप हो जाएगा गोइंग, किसी की ओर जाने के लिए टू, और जाना है ट्यूशन, तो ट्यूशन जाकर बाय गोइंग टू ट्यूशन। आगे लिखते हैं नेक्स्ट है जैसे कॉलेज जाकर, कॉलेज जाकर, कॉलेज जाकर, तो बाय हो गया गो का चौथा रूप गोइंग टू, और फिर लिखेंगे कॉलेज महाविद्यालय, बाय गोइंग टू कॉलेज। तो इसमें आप देख रहे हैं दिल्ली जाकर हो गया बाय गोइंग टू दिल्ली, सोच कर बाय थिंकिंग, खाना खाकर बाय ईटिंग फूड, अंग्रेजी सीख कर बाय लर्निंग इंग्लिश, ट्यूशन जाकर बाय गोइंग टू ट्यूशन, कॉलेज जाकर बाय गोइंग टू कॉलेज। इस टॉपिक में जितना भी एग्जांपल आप बनाओगे सबके लास्ट में कर आएगा। इसमें हम लोग लंबा एग्जांपल भी बना सकते हैं बच्चों, जैसे दिल्ली जाकर मैं तुमसे मिलूंगा बाय गोइंग टू दिल्ली आई विल मीट यू, सोच कर मैं तुमको बताऊंगा बाय थिंकिंग आई विल टेल यू, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई विल टेल यू बाय थिंकिंग। ट्यूशन जाकर मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा बाय गोइंग टू ट्यूशन आई विल मीट विथ माई फ्रेंड्स, अंग्रेजी सीख कर मैं तुमसे रोज दिन अंग्रेजी में बात करूंगा बाय लर्निंग इंग्लिश आई विल टॉक टू इन इंग्लिश एवरी डे, स्पोकन क्लास जाकर मैं भी अंग्रेजी सीख जाऊंगा बाय गोइंग टू स्पोकन क्लास आई विल ऑल्सो लर्न इंग्लिश, बुलेट शोरूम जाकर मैं बुलेट खरीदूंगा बाय गोइंग टू बुलेट शोरूम आई विल बाय बुलेट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं बच्चों। तो आई होप आपको चारों टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये चारों टॉपिक का बहुत ज्यादा यूज होता है इंग्लिश बोलने टाइम, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश ये जो टॉपिक है इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जांपल आप इसमें बना सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल बनाने में कोई भी समस्या होता है तो कमेंट सेक्शन पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।